हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। नई वीडियो में स्वागत है। फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने टॉप से बिल्कुल क्रैश किया है। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, मंडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों की, गैप अप और गैप डाउन खुलने के बाद क्या करें आप लोग, ये सब बताऊंगा आज की वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। दो स्टॉक भी डिस्कस करने वाला हूँ जो कि वेल परफॉर्म करने वाले हैं, और एक बोनस स्टॉक भी देने वाला हूं आप लोगों को। देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखिए, अब बैंक निफ्टी जो है, हमने आपको बैंक निफ्टी हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि देखो यार, 37,000 आई थिंक 600 के ऊपर निकलेगा तो फास्ट मूवमेंट करेगा। देखा था आप लोगों ने, 800 के आसपास गया था, 200 पॉइंट खटाक से उसने मोमेंट दिया था। नाउ इट इज पूरा उसने फिजल ऑफ कर दिया। ये थोड़ा संकेत मेरे को खराब दे रहा है, क्योंकि यार देखो, अगर मार्केट ऊपर जाना होता तो क्या करता, मार्केट डे हाई पे सस्टेन करता, ठीक है, जो कि नहीं हुआ। अब देखिए, अब जो बैंक निफ्टी है ये अपने मेन सपोर्ट पे आ चुका है। ये सपोर्ट कितना है भाई, ये सपोर्ट है 37,500 का ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर ये लेवल के नीचे सस्टेन होता है 10 मिनट तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। टारगेट होगा हमारा 37,300, सेकेंड टारगेट वुड बी 37,200। ये दो टारगेट हमको देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में नीचे साइड। अगर टूटता है तो 37,600 का मैं पुट ऑप्शन खरीद के चलने वाला हूँ, आप लोग इसको ध्यान रख के चलिएगा दोस्तों। अंडरस्टूड ना ये लेवल, क्योंकि देखो ये बार बार देखो यार सपोर्ट ले जा रहा है, अगर टूटेगा तो आराम से यहाँ तक हमको एक क्रैक देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। अंडरस्टूड। अब बाइंग के लिए क्या सीन है, देखो भाई बाइंग के लिए क्या है, अगर ये रेंज टूटता है, अगर ये लगातार इसके ऊपर रेंज बना के ऊपर अगर रेंज बना के ब्रेकआउट करता है तो बाय करूंगा मैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा जो है निकल के आएगा 37,650, ठीक है, 37,650 के ऊपर मैं बाय अबव करके चलने वाला हूँ अगर मेरा परफेक्ट सेटअप बनता है तो। एटलीस्ट देखो बाइंग में थोड़ा सा मैं भी कम कन्विक्शन है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा नीचे आ जा रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ जा रहा। अभी भी रशिया और यूक्रेन का देखो अभी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे बाइंग के लिए। बाइंग अगर करेंगे भी तो भाई कम क्वांटिटी के साथ करेंगे। तो आप समझ चुके हैं बाइंग कब करके चलना है। देखो अगर बाइंग मेरे को दिखता है चार्ट पे, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। देखो ज़्यादा बेस्ट होता है मैं जब लाइव मार्केट में चीज़ों को देखता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, अब मान लो अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करते हैं बाइंग के लिए। बाकी अगर मार्केट किसी वजह से गैप अप खुलता है, डोंट एवर ट्राई टू बाय। आपको देखो गैप अप का मैं बता रहा हूँ, गैप अप का जो है, गैप अप का क्या करना है, क्या क्या करके चलना है, दो मिनट के चार्ट पे लगाना और वहां पे अगर बियरिश हैमर बनते हुए देखे, लो जैसे टूटे आप सेल करके चलना, ऐसा लग देना टॉप का, आराम से यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट का खटाक से मूवमेंट देखने को मिलेगा, बढ़िया वाला। और अगर बाकी गैप डाउन होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गैप डाउन के बाद रेंज बनते हुए दिखेगा, रेंज अगर ऊपर टूटेगा तो बाय, तो यानी गैप फिल करेगा, अगर नीचे टूटेगा तो फिर नीचे हमको सेल करके चलना है। मैं आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पे देखो क्या हुआ भाई, गैप डाउन हुआ, रेंज बना, रेंज के टूटने के बाद नीचे गया, हमने सेल किया, अगर ये ऊपर थोड़ा बाय करके चलते। आई होप मेरी बातों को समझ चुके हैं आप। कल के लिए मैंने आपको रणनीति बता दी है निफ्टी बैंक की, जबरदस्त है, हमको बस रेडी रहना है ऊपर या तो नीचे के लिए, चांसेस मेरे को लग रहे हैं नीचे के लिए। दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है और अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 26 फरवरी से। यहां पे हम आपको सिखाने वाले हैं इंट्राडे, शॉर्ट टर्म पोजिशनल स्विंग, लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, सीट्स आर लिमिटेड, बुक योर सीट राइट नाउ। आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा क्लास में, धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी क्या है, रेंज में है, बिल्कुल ये रेंज पैटर्न में फंसा हुआ है। अब अगर निफ्टी में सेलिंग आएगी 17,240 के नीचे, 17,240 के नीचे मैं सेल करके चलने वाला हूँ। टारगेट वन होगा 17,150, टारगेट सेकंड होगा 17,100। आई होप मेरी बातों को समझ चुके हैं आप। ये होगा दो टारगेट नीचे के साइड अगर टूटता है तो, क्योंकि देखो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार और पाँच, ये टूटेगा तो सेल करके चलना है। अंडरस्टूड। देखो बाइंग आएगी, पता है बाइंग कितने के ऊपर आएगी, 17,340 के ऊपर, 17,340 के ऊपर बाइंग आएगी भाई यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर। क्योंकि देखो इसके बीच में आप कुछ नहीं कर सकते, बीच में प्रयास करोगे आपको बहुत अनुभवी होना पड़ेगा, और देखो बीच में प्रीमियम डीके के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो 17,340 के ऊपर आपको बाय करके चलना है, टारगेट 17,400 और टारगेट सेकेंड 17,450 का होगा। बाकी मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बैंक निफ्टी में, मेरे को उतना निफ्टी का मतलब कन्विक्शन नहीं लग रहा है, निफ्टी बिल्कुल अभी रेंज में फंसा हुआ है।
बड़ा मूवमेंट देने वाला है कल के लिए, ठीक है दोस्तों, बड़ा मूवमेंट दे सकता है कल हमारा निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी, तो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट। हाँ मेरे को भाई देखो एक चीज़ बनते हुए दिख रखी है निफ्टी में, वो ये है कि यार एक काइंड ऑफ बेयरिश हमर बन चुका है, आप देख रहे हैं बिल्कुल सेलिंग प्रेशर दर्शा रहा है, इसका मतलब ये है भाइयों अगर कल लो टूटा एक तगड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी, बिल्कुल रेडी हो जाइए आप लोग। चलिए हम जान चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का व्यू हम जानते हैं। पहला स्टॉक है हमारा फर्मेक्स का, हमने इसको बाइंग के लिए दिया था आपको, इसमें बढ़िया सा प्रॉफिट हमने आपको करवाया ठीक है टेलीग्राम चैनल में। अच्छा हमको बाय करके चलना है क्योंकि देखो थर्मेक्स सपोर्ट पे आ चुका है, यहाँ पर देखो मल्टीपल सपोर्ट जोन है, बाइंग जोन है, और ये यहाँ पे एंगल्फिन कैंडल बना दिया है ठीक है राइट। अब हमको क्या करके चलना है, 10 मिनट के चार्ट पे आ जाइए भाई, 10 मिनट के चार्ट पे वी नीड टू गो फॉर द बाय अबव व्हाट लेवल वी अबव दिस, जैसे ये तोड़ेगा हमको बाय करके चलना है ठीक है, और ये हमारा लेवल है 1870, इसके ऊपर बाय अबव करके चलना है। एटलीस्ट 5 मिनट रुक जाइएगा, बनने दीजिए कैंडल, स्टॉप लॉस हो जाएगा 1862 का, जो टारगेट होगा हमारा 1888 का, सेकंड टारगेट होगा 1900 का, ये होगा दो टारगेट हमारा थर्मेक्स में। जानते हैं सेकंड स्टॉक है हमारा अपोलो हॉस्पिटल, सेल करके चलना है, वन डे के चार्ट पे बियरिश हैमर बना दिया है और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो चुका है। नाउ डेज लो के नीचे बेच के चलना है 4460 सेल करके चलना है, टारगेट हो सकता है हमारा 4420, सेकंड टारगेट 4400 का। लास्ट स्टॉक जाने उससे पहले आपको स्क्रीन के सामने हमारे टेलीग्राम स्टॉक्स के परफॉर्मेंस दिख रहे होंगे दोस्तों, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड लेने हैं जो हम आपको लर्निंग पर्पस के लिए देते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमने आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने ये सब आपको स्टॉक दिए थे और हमने आपको बैंक निफ्टी का भी ट्रेड दिया था बाइंग के लिए, जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला ठीक है, और आप लोग जाके जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसका टेलीग्राम का ठीक है, अंडरस्टूड। सो लास्ट स्टॉक है हमारा बोनस ICICI बैंक, सेल करके चलना है डेज लो के नीचे, सेल बिलो 746। अब इसका मैं SL टारगेट आपको अपडेट कर दूंगा अगर मेरे को परफेक्ट सेटअप बनते हुए दिखता है तो, अंडरस्टूड गाइज। बाकी आज के लिए इतना ही, देखो मैं चाहूंगा दोस्तों ये हमारा जेन्युइन टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जरूर जाके यहाँ पे ज्वाइन करिए, यहाँ पे हम आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट देते रहते हैं ठीक है, बहुत क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चार्ट शेयर करता हूँ ताकि आप लोग सीख सकें, ट्रेड लेने के पीछे का मैं आपको रीजन शेयर करता हूँ, कोई और नहीं शेयर करता होगा इतना बेस्ट रीजन ओके। हमने आपको बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे चार्ट शेयर किया था, हर दिन हम आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना के देते हैं, तो देर मत करो यार जल्दी से जुड़ जाओ आप लोग। आज के लिए इतना ही।